से हम अपने कर्ण पर एक लंब डालेंगे, ठीक है। तो अपन बिंदु B से जो कर्ण है अपना, उस पर अपन एक क्या करेंगे, लंब डालेंगे, और यहाँ पर इस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, डी। ए बी सी और डी लंब आप समझते हैं, जब लंब डालते हैं जहां पर भी लंब डालता है वहां पर 90 का कोण बनेगा, लंब का मतलब ये है। अगर किसी ने कहा आपको लंब डालना है तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, जब 90 का यहां पर बनेगा तो 90 का इस तरफ भी बनेगा, ये भी आप ध्यान दें, ठीक है। अगर आपका यहां पर 90 का एंगल बनता है तो यहां पर भी 90 का बनेगा। इसका ये मतलब हुआ कि इस जो त्रिभुज था अपना, इसके दो पार्ट हो चुके हैं और दोनों पार्टों में 90-90, यानी कि ए भी समकोण त्रिभुज बन गया और ए भी समकोण त्रिभुज बन गया, और ये जो फोटो थे ये भी समकोण त्रिभुज। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यानी कि रचना में हमने क्या किया, रचना में थोड़ा शॉर्ट लिखेंगे कि अपन ने बी डी लंब डाला एबी पर, एसी पर, ध्यान दें ये लंब का सिंबल है। कुछ मैथमेटिक्स में सिंबल होते हैं।